नमस्कार दर्शकों, वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लीमा और मैं हूं विकास अबरोल। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे आचार्य विजय वर्मा जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम आपको बता दें कि उनकी की हुई भविष्यवाणियां काफी सटीक बैठी हैं। इससे पहले भी हमारे स्टूडियो में कई बार इनसे हमारी बातचीत हुई है और उसी दौरान उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य एवं सरकार से जुड़ी कई अहम भविष्यवाणियां की हैं, जो कि काफी सही साबित हुई हैं। क्योंकि अब नया साल हमारे देश के लिए राजनीतिक तौर से काफ़ी अहम रहने वाला है और आप सभी जानते हैं कि 2019 में लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में किसकी होगी सरकार और किसके सर पर सजेगा सियासी ताज। विकास जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये सटीक भविष्यवाणियां की जाती हैं और आज तक आचार्य जी कैसे इन सब का पूर्व अनुमान कर लेते हैं। तो दर्शकों, आइए ये सब जानते हैं आचार्य जी से। नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं लीमा और मैं हूं विकास। दर्शकों, हम अक्सर ही अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और विकास जी, जब भी हम आप इस बात से मेरी अग्री करें कि जब भी हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक वर्ड सामने आता है, एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से काफी कॉमनली यूज वर्ड है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य विजय वर्मा जी। आचार्य जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और इसकी इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी इम्पोर्टेंस आज की डेट में क्या है। आप सबको और दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा निकले। यहाँ तक बात है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी हमारे भारतवर्ष में जन्म से लेके मृत्यु तक हर समय इसको पूछा जाता है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, जो इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर चैनल पे, हर रेडियो पे इसकी चर्चा होती है, इसके बिना कोई चैनल शुरू नहीं होता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है कि जो ब्रह्मांड में, यहां हमारी अर्थ, ये प्लैनेट चल रहा है, उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे रूट को पढ़ना एस्ट्रोलॉजी है। जैसे आप अपने घर जाते हैं तो एक रूट है आपको घर जाने का, अगर आपने वो रूट छोड़ दिया तो आप अपने घर नहीं, कहीं और पहुंच जाओगे। एस्ट्रोलॉजी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक का जो रूट देखा जाता है, वो ब्रह्मांड में कैसे घूमेगा, किस स्टार के साथ कितनी देर रहेगा, कौन सा स्टार उसके ऊपर अपनी रश्मि रखेगा, कितनी देर उसके ऊपर उसकी नजर रहेगी, कहाँ उसका ज्वाइनिंग होगा, वो सारी चीजें देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी से ही हम देख सकते हैं कि आगे इसके साथ क्या होगा। तो आचार्य जी, मेरे हिसाब से जो भी अभी आपने इन्फॉर्मेशन दी, एस्ट्रोलॉजी काफी इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, बी इट फॉर एनी पर्सन, किसी भी इंसान के लिए एस्ट्रोलॉजी का पता होना, एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से तो काफी काफी लाभदायी है। यहाँ जो आजकल का जो सिनेरियो है, जिस समय इतनी भाग दौड़, इतनी टेंशन्स, इतनी वेरिएशन और इतनी परिपक्वता के बीच भी इतना परिवर्तन हर व्यक्ति के परिवार में, उसके अपने जीवन में इतनी उथल पुथल, उसको एक जगह पे सोचना, एक जगह पे टिकना अपने लिए ही मुश्किल हो रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उस समय वो सोचता है, जब वो थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठता है, या पूजा में बैठता है, या कहीं मेडिटेशन करता है, या कहीं वो भगवान के साथ जुड़ता है, या अल्लाह के साथ जुड़ता है, तो उसको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसका तालमेल नहीं बैठ रहा, ना उसका शरीर के साथ तालमेल है, ना उसका अपनी आत्मा के साथ तालमेल है, ना उसका अपने ब्रेन के तालमेल है। जो वो सोचता है वो कर नहीं पाता, जो कर रहा है वो सोचना नहीं चाहता। तो ये सारी उथल पुथल के बीच में फिर वो एक रास्ता ढूंढता है कि कहीं से मुझे थोड़ी सी कोई किरण मिले, जो मुझे ये बताए कि मैं अपना सामंजस्य कैसे बिठाऊं, मैं अपना तालमेल कैसे बिठाऊं। तो उस समय उसको एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है, ना कि किसी डॉक्टर की, ना ही किसी और की। आचार्य जी, मैं अभी आप जो बता रहे हैं कि इंसान के अंदर एक उथल पुथल सी हो जाती है, तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ये जो इंसान के अंदर उथल पुथल हो जाती है, जो हलचल मच जाती है, इसका आंसर, इसका जवाब उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे मिल सकता है? बड़ी सरल सी बात है कि जैसे मान लीजिए
ये जो प्लेनेट जो जिसमें हमारी धरती चल रही है, जब ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये सारे के सारे एक साइड पे आ जाते हैं। उस समय जो बच्चे जन्म लेंगे तो उनकी पूरी की पूरी एनर्जी एक साइड शिफ्ट हो जाएगी। अब जैसे ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो जाती है तो एक ही साइड बार बार खींचती है, इसी तरह उस समय जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जीवन में ये उथल पुथल होती है। ये पेंडुलम पे चल रही है हमारी धरती, इस समय वेवलेंथ पे चल रही है। और ये जो समय है, इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो ये पीछे जो समय निकला है पिछले 20-30 सालों में, इस समय ये पेंडुलम पे धरती है। तो सारी की सारी एनर्जी वन साइड शिफ्ट हो गई है, कोई भी अपने आप के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। तो अभी जैसे मान लो बॉडी में किसी को कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको जैसे किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो उसको हम एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं या उसको देते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में जब वो प्लेनेटरी जो रेज हमारी बॉडी पे आ रही है, जब बच्चा पैदा हुआ या उसके आगे जो उसके ऊपर जो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि ये प्लेनेट इस समय इसका कमजोर है, ये डेफिशिएंसी इसको आ रही है, तो उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में वो नग पहनाया जाता है या उसको वो चीज़ दी जाती है या उसके हाथ से वो कर्म करवाए जाते हैं। तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है, ये इसका मेन रीजन है। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे अभी हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज जो है जिसको नेता से लेकर अभिनेता तक, राजा से लेकर रंक तक, सब इस चीज के साथ चलते हैं कि मुहूर्त, कि कोई भी काम करना है उसका एक शुभ मुहूर्त, एक सही समय होना चाहिए। इस शुभ मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी में हम किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्लेनेटरी जो पोजीशन है हमारी धरती, एक दिन में 12 हाउसेस को मूव करती है, या अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है, और हर 2 घंटे के बाद एक एक्सिस से निकलते हुए वो रश्मि इसके ऊपर पड़ती हैं। अब मुहूर्त का जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि वो समय जब ये सारा बैलेंस हो, उस समय कोई भी काम किया जाए तो वो बैलेंस रहेगा और आगे बढ़ेगा, ताकि उसमें कोई रुकावट ना आए। अब जैसे आप कहीं जाम लगा हुआ है, आप जीपीएस सिस्टम पे देखते हो कि ये रास्ते में इतने जाम हैं, जब आपको वो जाम क्लियर मिलेंगे अब तब निकलोगे, तो आप डायरेक्शन पे अपनी डेस्टिनेशन पे पूरे राइट टाइम पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपके सामने ये है और आपको जल्दी जाना ही है और आपको इमरजेंसी में निकलनी है, तो फिर आपको हर्डल्स पे हर्डल हर्डल पे हर्डल आएंगी। ये मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त का कारण जो मैं आपको बता दूं, मान लो किसी के घर में एक शादी है, वो शादी है मान लीजिए 2 घंटे के लिए, वहां पे सब लोग आए हुए हैं, कोई अमेरिका से आया है, कोई यूएसए, कोई यूके से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इटली से, कोई मुंबई से, कोई चेन्नई से। अब वहां पे 50 लोग आए हैं अलग अलग एरिया से, और एक व्यक्ति अगर 10 मिनट के लिए वहां जाता है, और दो दो मिनट भी, एक एक मिनट भी, आधा आधा सेकंड, 15-15 सेकंड भी अगर किसी से मिलता है, वो हेलो हाय करता है, हालचाल पूछता है, तो आधे घंटे में वो 10-20 लोगों से मिल लेगा जो कितनी दूर से आए हैं। अगर उन्हीं से उनको मिलना होगा 10-10 मिनट के लिए ही, दो दो मिनट के लिए भी, तो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना पैसा जाया करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस समय वो थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-20 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता है उस जगह पे, तो वो उस चीज को कहते हैं मुहूर्त। मुहूर्त के समय ये सब चीजें एक साथ इकट्ठी होती हैं। उस समय अगर वो व्यक्ति उस आधे पौने घंटे के लिए वो काम कर ले, तो उसको इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। इसमें एक बात और है आचार्य जी, जो बहुत ज़्यादा आजकल आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आजकल हर चीज़ के मुहूर्त भी दो दो तीन तीन निकल रहे हैं। आप कोई अखबार उठाइए, कुछ भी नया किसी व्रत के लिए या किसी भी काम के लिए, जैसे राखी कोई भी हो, तो हर अखबार में अलग अलग मुहूर्त होता है, 3 मुहूर्त होते हैं, कहीं 4 होते हैं। लोग अक्सर इस चीज़ में फंस जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस मुहूर्त पर काम किया जाए। मुहूर्त अलग अलग नहीं होते, जैसे मैंने अभी आपको बोला एरिया के हिसाब से। मान लो कोई दक्षिण में रह रहा है और कोई उत्तर में रह रहा है और कोई पहाड़ों में रह रहा है, तो जो वेरिएशन रहेगी उसमें, जो ड्यूरेशन टाइम की रहेगी, वो अलग अलग जगह पे आएगी। जैसे सूर्य चढ़ता है असम में 4 बजे चढ़ जाता है और जम्मू कश्मीर में 7 बजे दिखता है, तो 3 घंटे का जो वेरिएशन रहेगा, वो जो उसकी मूवमेंट रहेगी जैसे चंद्रमा की और नक्षत्र की, उसके हिसाब से मुहूर्त देखा जाता है। वो जो वेरिएशन है, अगर कोई साउथ का पंडित बोलेगा तो वो अपने हिसाब से 1.5 घंटा पहले बोलेगा या आधा घंटा पहले बोलेगा, लेकिन अगर वो नॉर्थ का पंडित बोलेगा तो वो उसके हिसाब से देख के बोलेगा, क्योंकि वो उसको मूव करते हुए वहां तक आने में समय लगेगा। क्योंकि
जितने भी अक्षांश उसने करने हैं, धरती को 4 मिनट में एक अक्षांश चलना है, तो 360 को मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 1440 एक दिन बनेगा। तो वो जितनी जितने अक्षांश पे चलता जाएगा वैसे मुहूर्त होता जाएगा, हर एरिया का मुहूर्त अलग तरह से होता है। आचार्य जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने इसकी इम्पोर्टेंस हमें अभी बताई और क्या है ये इसके बारे में आपने हमें बताया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है तो सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इसे वैसा स्टेटस क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया या उस स्पेशली कंसिडर क्यों नहीं किया गया है ऐसे एस्ट्रोलॉजी को? भारतवर्ष पिछले 2000 साल से गुलामी की रेखा में रह रहा है। अब जो हमारे पास है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। जो मेरे हाथ में होगा तो मैं काम करूँगा। आपने अभी थोड़े दिनों में देखा होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इस सब्जेक्ट को लाया गया था। इवन हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ये सब्जेक्ट आया था, किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ राजनीति थी तो उसको उन्होंने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट नहीं इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फंड्स आए थे इस ज्योतिष के लिए, इस एस्ट्रोलॉजी के लिए। अब भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ पे अंग्रेज थे, वो ये कभी भी नहीं चाहते थे कि ये विद्या अगर उनसे हाथ से हिंदुस्तानियों के बीच में फिर से वापस आ गई तो ये फिर से भारत जो है वो सिरमौर बन जाएगा। अब कोई चीज किसी के हाथ में हो और वो सत्ता उसके हाथ से निकल रही हो तो वो तो चाहेगा कि जितना देर हो उतनी देर तक मैं इसको एंजॉय करूं। तो उन्होंने ऐसे हालात बना दिए, इसको मूढ़मति बना दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ज्योतिष दो तरह का है, एक फलित ज्योतिष है, एक कैलकुलेशन ज्योतिष है, जिसको अंक विज्ञान से मानते हैं। जो हमारा ज्योतिष, जो हमारा न्यूमरोलॉजी में चल रहा है, जो कैलकुलेशन में चल रहा है, वो आज भी सटीक है। हम 10,000 साल के बाद कब ग्रहण लगेगा आज भी बता सकते हैं, और कोई विद्या ऐसी नहीं है। हमारी एस्ट्रोलॉजी को हमारे कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया है। कंप्यूटर में आज भी 5,000 साल आगे की डेट डाल दो, 10,000 साल पीछे की डाल दो, वो इन्फिनिटी शो नहीं करता, क्योंकि वो एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेसी पे चल रहा है। और उसकी सारी कैलकुलेशन जो उस समय प्रोफेसर कांशीराम जी थे उन्होंने इनको दी कि इस सब्जेक्ट को लाया जाए, तो अंग्रेजियों ने, उस समय अंग्रेज सरकार ने इसको कहा कि नहीं, ये आप कोई कुछ बोलता है, जैसे इन्होंने कहा एक अलग मुहूर्त निकालता है, एक अलग मुहूर्त निकालता है। उस समय कोई विद्वान इस बात को प्रमाण नहीं कर पाया, तो इसलिए उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटीज के बीच में इस सब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया, और कोई कारण नहीं है। अगर आज भी जो बातें उस समय अंग्रेजों ने हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाई, आज वो खुद कर रहे हैं, आज वो खुद जौ का पानी पी रहे हैं, आज वो खुद हाथ में दूर से माथा टेक रहे हैं, कभी उनको मैड कऊ हो गया, कभी स्वाइन फ्लू हो गया, कभी आई फ्लू हो गया। अब उनको समझ आ रही है कि छूछात क्या चीज होती है, हम क्यों नहीं टच करना किसी को। यही बात प्रोफेसर साहब ने उस समय बोली थी तो वो डर गए, क्योंकि उन्होंने सारी विद्याएं, जो हमारी विद्या थी, वो यहां से लेके चले गए। आज उसी के ऊपर सारी रिसर्च हो रही है, चाहे वो जहाज बनाना हो, चाहे वो रॉकेट बनाना हो, चाहे उन्होंने स्पेस में जाना हो। एक गलती हुई, एक गलती होने से, जो ये कल्पना चावला जी जब ये क्रैश हुआ था, क्योंकि वो अर्थ के विपरीत दिशा से एंटर कर गए तो वो ब्लास्ट हो गया। अब उनको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम सरकार को नहीं समझा सकते। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में जिंदा है, जिसको 1 रुपए की एड नहीं मिली पिछले 40-50 सालों में, ये अपने आप आज घर घर पहुंच गया, हर अखबार में पहुंच गया, हर टीवी चैनल में पहुंच गया, हर डिबेट में पहुंच गया। आप ये देखो कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर, अभी ये फिजिक्स का सब्जेक्ट था, आज से 20 साल पहले ये पढ़ाया जाता था कि सन जो है वो स्टेशनरी है, आज उन्होंने सन उसके लाइट ईयर्स के ऊपर जब देखा तो सन मूव कर रहा है, तो उनको खुद ही पता चला। रिफॉर्म हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, जिसको रिफ्रेश कोर्स बनते हैं उनके ऊपर अरबों रुपए गवर्नमेंट खर्च रही है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चा, वो सब्जेक्ट आज भी खुद ब खुद जिंदा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है कि ये परिपक्व और अपने आप में परिपूर्ण सब्जेक्ट है। लेकिन आचार्य जी, जैसे कि अभी आप हम बात कर रहे थे कि
सरकार जो है इसको कुछ ज्यादा नहीं कर रही। लेकिन अगर हम एक तरफ बात करें तो अब जो कुंभ का मेला आ रहा है जो कि 4 साल के बाद आता है, उस पर सरकार इतना पैसा खर्च रही है, इतना भव्य आयोजन कर रही है, वो किस वजह से? मैंने पहले बोला, जब आपको ये पता चल जाए कि मेरी इस चीज के अंदर ताकत है, आप फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। जब आपको खुद कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप उसकी एडवर्टाइज कैसे करोगे? अब गवर्नमेंट को ये चीज समझ आ गई है, उसको भान होना शुरू हो गया कि इसके, ये तो जीवन के हर व्यक्ति के जीवन के अंदर समाया हुआ है, ये तो कण कण में समाया हुआ है, ज्योतिष हमारे जन्म जात समाया हुआ है। अब वो जब बाहर निकलेगा, रहेगी बात कुंभ की। कुंभ क्या है? कुंभ भी एक प्राकृतिक घटना है। जब बृहस्पति, चंद्र और सूर्य एक सीध में आते हैं, बृहस्पति है बुद्धि का कारक, चंद्रमा है मन का कारक और सूर्य है आत्मा का प्रतीक। जब ये तीनों चीजें एक साइड में आएंगी, जैसे मैंने बोला हमने बैलेंस करना है, जी जब ये तीनों बैलेंस होते हैं तो उस समय हम कोई भी दान पुण्य कृत कर्म करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंदर ये जो उथल पुथल है शांत होती है, हम बैलेंस हो जाते हैं, हमारे जीवन में इतने विचार नहीं आते, हमारा एक विचार रहता है, हम उसी के ऊपर चलते हैं। ये जो बैलेंस करने के लिए कुंभ का आयोजन, अब इनको समझ आ गया कि नहीं कुंभ में हर बंदा जाना चाहिए, तो उन्होंने कुंभ को एक इतने भव्य मेले के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये उनकी कमजोरी नहीं है, गवर्नमेंट को समझ आ गई है। आने वाले टाइम पे एस्ट्रोलॉजी जो है ये फिर से सब्जेक्ट बनेगा और घर घर में इसको पढ़ाया जाएगा। बड़ी दूर की बात नहीं है, वो समय आ रहा है, अब ये जागृति हो रही है, ये वापस आ रहा है ये सब्जेक्ट। तो और थोड़े दिनों में, और 2 4 10 सालों में आप देखेंगे ये सब्जेक्ट फिर से यूनिवर्सिटी में आएगा और हर व्यक्ति की कोशिश होगी कि हर बच्चा उसका ये सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि इसी से नैतिकता आएगी। अगर व्यक्ति को पता हो कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, तो मुझके इसके ये इफेक्ट मिलेंगे। जैसे अगर उसको पता चल जाए कि एक व्यक्ति कि मैं ये रिश्वत ले रहा हूं, या मैं ये हराम का पैसा खा रहा हूं, या मैं किसी को लूट रहा हूं, और मेरा बच्चा ड्रगिस्ट हो जाएगा, मेरा बच्चा मेंटली टॉर्टर्ड हो जाएगा, मेरा बच्चा पागल हो जाएगा, वो कभी नहीं करेगा। ये नैतिकता तभी आएगी जब ये सब्जेक्ट लोगों के दिलों में और दिमाग में आएगा। तो आचार्य जी, समय के अभाव के कारण हम आज आपसे इतने ही प्रश्न पूछ पाएंगे, लेकिन दर्शकों फिक्र ना करें, हम एक बार फिर से लौटेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न भी हम तक तो पहुंचा सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी। हमने अपनी ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है। वक्त इंडिया के साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।